हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री विद अजय धायल सर। दिस इज द न्यू चैनल विच हैज बीन स्टार्टेड बाय मी आफ्टर वर्किंग विद विवेक अरोड़ा सर। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू वर्क विद विवेक अरोड़ा सर। ही इज अ इंस्पिरेशन टू मी। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मैं उनको देख के मैंने इंस्पायर होके ही ये चैनल स्टार्ट किया है। विवेक अरोड़ा सर जैसा काम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, वैसा काम मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा काम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसी से इंस्पायर होकर मैंने भी अपना एक हिस्ट्री का नया चैनल शुरू किया है, और इसी के दौरान मैं आपको अभी जो चैप्टर शुरू किया है वो है हिस्ट्री 12 क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का नाम है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इससे पहले जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूं। जो पहला चैप्टर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड चैप्टर है, हरप्पन सिविलाइजेशन बेस्ड चैप्टर है, जिस चैप्टर के अंदर हमने जो है डिस्कस किया था कि जो अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन जो थी उसके बारे में, साथ साथ जो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन थी उनके साथ जो कनेक्शन था उसके बारे में। लेकिन उसके बाद में कई सालों तक जो हमारी इंडियन जो हिस्ट्री है उसके अंदर क्या परिवर्तन आए, क्या चेंजेस आए, या कौन सी अर्ली सिविलाइजेशन थी उसकी जो जानकारी है वो इस चैप्टर में हम करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, और जो है जैसे मौर्यन सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, अशोका के बारे में आपने सुना होगा, उन्हीं के चैप्टर के बारे में हम अभी इसी उन्हीं के बारे में उनके पीरियड के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पीरियड है इस दौरान जो है किंगशिप जो है या जो डायनेस्टिक सक्सेशन है उसका उदय हुआ, उसका राइज अप हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू मेक क्लियर दैट फॉर द स्टूडेंट्स बोथ इन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आई हैव टू बी बायलिंगुअल। मैं दोनों लैंग्वेजेस के अंदर कोऑपरेट करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं दोनों लैंग्वेजेस के अंदर इसके बारे में बात कर पाऊं। तो जो पहला जो मतलब कुछ वर्ड्स हैं, कुछ चीजें हैं, मैं इंग्लिश में भी रिपीट करूंगा और कुछ चीजें हिंदी में भी करने वाला हूं। तो क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स की तरफ से बार 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 ये चीज रिक्वेस्ट आती है कि सर थोड़ा हिंदी में कीजिए, थोड़ा इंग्लिश में कीजिए, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल डू दैट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में देखेंगे कि भाई जो पहला जो पीरियड है, देखिए 600 BCE से लेके 600 CE का जो पीरियड है, ये जो एरिया है, जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान जो जो इंडियन सोसाइटी है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो सोसाइटी है हैज गोन थ्रू ए वास्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी परिवर्तन आए हैं। बहुत सारे परिवर्तन में बात की जाए तो बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे आए हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे एम्पायर्स भी राइज हुए हैं, बहुत सारे किंगडम्स भी राइज अप हुए हैं और कोलैप्स भी हुए हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ न्यू टाउन्स, वेरियस न्यू टाउन्स या वेरियस न्यू सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन या इंपोर्टेंट सेंटर्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स और कैपिटल्स हैज बीन एमर्ज, जो हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहले आपको पता ही है हिस्ट्री जो है वो उसकी जानकारी जो है हमें किसी प्रकार की इंस्क्रिप्शन से, टैक्स से, कॉइन से मिलती है। तो जो चेंजेस हुए हम भी इसके अंदर कोशिश करेंगे जो इंस्क्रिप्शंस वहां पे मिली हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज इंस्क्रिप्शन। इज इंस्क्रिप्शन जो है किसी प्रकार की स्टोन हो सकता है, किसी प्रकार की कोई मेटल स्लैब हो सकती है जिसके ऊपर किसी प्रकार की लिखाई होती है। जो लिखाई होती थी मेनली राजाओं के द्वारा करवाई जाती थी, या कोई पर्सन होता था, ऑथराइज पर्सन उसको करवाता था, और वो पर्सन जो था उसको उसके अंदर अपने अचीवमेंट के बारे में या उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके बारे में बताता था। ये चीजें हैं जो हमें उस समय के दौरान बताती हैं। उसके बाद में आगे बात की जाए तो और भी कई चीजें हैं जिनको ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम बेस्ड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो जो चीजें हैं अभी तक भी पूरी चीजें, देखिए हिस्ट्री है जो थोड़ी सी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। कुछ चीजें हैं हम थोड़ा अजम्पशन लगाते हैं, ऐसा हुआ होगा या हुआ होगा, तो कई चीजें हैं जो अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट जो है वो इस 1500 जो पीरियड है, जो 1500 साल का जो पीरियड है, इसके अंदर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हुआ उसके बाद में क्या चेंजेस यहां पे आए। जो 1500 साल का जो पीरियड है उसके अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद में बहुत सारे डेवलपमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए हैं। इसी दौरान जो है ऋग्वेदा जो है, जो ऋग्वेदा जो पॉपुलर बुक है या वेदास हैं जो यहाँ पे क्रिएट हुए हैं इंडस और जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसी के आसपास यहाँ पे उसके बेस सोसाइटी के बेस्ड ऋग्वेदास यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुए हैं। इसी दौरान बहुत जगह पे इंडिया के अंदर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स डेवलप हुए हैं। साथ ही साथ जो लोगों का जो तरीका है सोसाइटी में रहने का, इकोनॉमिकली अपनी लाइफ को प्रैक्टिस करने का,
या जो कहने का मतलब हम बात की जाए जैसे बरियल प्रैक्टिसेस हैं, देखिए बरियल प्रैक्टिस इज वन ऑफ द विच शोज अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज, इट ऑल्सो शोज बरियल प्रैक्टिसेस शोज व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज। तो यहाँ पे मेगालिथ्स जो हैं वो यहाँ पे डेवलप हुए हैं, मेगालिथ्स हैं किसी प्रकार के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए गए हैं डेड बॉडीज के साथ में, और इवन टूल्स और मेटल टूल्स या और भी कई चीजें हैं मेटल्स भी उनके साथ बरी किए जाते थे। साथ ही साथ एक और जो नया फीचर इस दौरान हुआ वो हुआ नए किंगडम्स और नए शहर। चलिए आइए करते हैं कौन से नए शहर आए और कौन से नए किंगडम्स वहां पे डेवलप हुए। तो इसी में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है वो हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की। चैप्टर इस जो टॉपिक है इसकी हेडिंग है प्रिसेप एंड प्रियदसी। प्रिसेप एंड प्रियदसी इसका टॉपिक है, इसलिए नाम है क्योंकि जेम्स प्रिसेप जो थे वो एक ऑफिसर थे ब्रिटिश, जो मिंट जो कहने का मतलब जो नोट छपाई वाली या फिर जो करेंसी जो छापती थी इंडिया के अंदर उसके ऑफिसर थे। लेकिन उनको बाद में जो था उनको ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट की जानकारी मिली, जिसकी वजह से वो इस समय के बारे में या फिर देखिए जो उस समय की स्क्रिप्शंस थी वो इसी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ब्राह्मी या क्रोस्टी लैंग्वेज जो थी प्राकृत थी, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी वो थी, तो स्क्रिप्ट पता लग गई तो वो उसके बारे में आराम से पढ़ सकते थे। तो उन्होंने 1830s के अंदर शुरुआत में बताया कि भाई ऐसी कोई ऐसा एविडेंसेस मिले कि ऐसी कोई एम्पायर था या ऐसा कोई किंगडम था जिसके बारे में उन्होंने बताया। तो देखिए आगे देखते हैं। इसी में सबसे पहले उन्होंने स्क्रिप्ट में देखा कि कोई राजा है जिसको प्रियदसी के नाम से, कहने का मतलब उसको डिनोट किया गया है, ही इज डिस्क्राइब्ड एज प्रियदसी। व्हाट प्रियदसी मींस, प्रियदसी मींस प्लीजेंट टू बिहोल्ड, ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब कि बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्यारा, मतलब कि जो बहुत लोगों को मतलब पॉपुलर है, ऐसा ऐसा फिगर यहाँ पे मिला है। तो साथ ही साथ जो प्रियदर्शी है उसके बारे में बोला जाता है, भाई जो प्रियदर्शी के बारे में जो डिस्कशन कर रखा है, जो प्रियदर्शी के बारे में कह रखा है वो प्रियदर्शी और कोई नहीं अशोका खुद हैं, जो ग्रैंडसन है चंद्रगुप्त के। जब ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर इज प्रियदर्शी जो है उनको बताया गया है वो अशोका है। तो उसके बारे में ये बोला गया कि प्रियदर्शी जो है अशोका के लिए कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, इसके अंदर आगे बात करते हैं। 6th सेंचुरी के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर आया। इंडियन हिस्ट्री में देखिए क्या डेवलपमेंट हुए इस दौरान, इस दौरान बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। सबसे पहला तो यूज ऑफ आयरन जो है, देखिए मेटल्स का जो यूज है हमेशा ही जो डायनेस्टीज हैं किंगडम से उनको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो यहाँ पे जो आयरन का यूज है बहुत ज्यादा बढ़ा। यहाँ पे इन लोगों को कॉइनेज की भी जानकारी थी, सिक्के बनाने की भी जानकारी थी। साथ ही साथ यहाँ पे अर्ली सिटीज या स्टेट्स भी यहाँ पे राइज अप हुए। उसके साथ साथ न्यू रिलीजन जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो भी मेनली इसी पीरियड के दौरान डेवलप हुए, इसी पीरियड के दौरान आए और इसी पीरियड के अंदर डेवलप हुए। तो ये चीज है कि भाई इस जो पीरियड है ये टर्निंग पॉइंट है पूरी इंडियन हिस्ट्री का, या इट वाज द ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आगे देखते हैं तो इसी दौरान क्या हुआ। तो देखते हैं, हम सारी बातें कर रहे थे कि यहाँ पे नए स्टेट और सिटीज डेवलप हुई। तो सबसे पहले जो इस दौरान यहाँ पे जो स्टेट्स डेवलप हुए, जो सिटीज डेवलप हुई, उनको जो है बोला गया क्या, महाजनपद। व्हाट इज महाजनपदास? महाजनपदास वर द एम्पायर्स विच डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो इस दौरान जो है 16 महाजनपदास यहाँ पे डेवलप हुए हैं। जो डिस्कशन है 16 महाजनपदों का यहाँ पे किया गया है, और जो यहाँ पे जो ये थे या तो ये किसी प्रकार के राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे या गणाज या संघास के द्वारा रूल किए जाते थे। कहने का मतलब ओलिगार्की जो है या लोगों मतलब कि एक ग्रुप होता था उनके द्वारा इसको पूरे को रूल किया जाता था। तो फीचर जो था महाजनपदा का वो ये था कि उनकी खुद की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, उनकी खुद की कैपिटल हुआ करती थी, उनकी खुद की कैपिटल थी, कैपिटल को पूरे को किलेबंद कर रखा था, उसको फोर्टिफाई कर रखा था। कुछ जो स्टेट्स थी उनके पास खुद की परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी, और साथ साथ ताकि जिससे जो थे उन लोगों को पीजेंट्री से रिक्रूट किया जाता था ताकि वो एक आर्मी रखे अपने रीजन को प्रोटेक्ट करें, और भी कई फीचर यहाँ पे थे। एक साथ ही साथ इसी दौरान, इसी पीरियड के दौरान धर्मसूत्र जो है अशोका के द्वारा, या जो धर्म सूत्र थे वो भी राजाओं को कुछ लॉज या कुछ रूल्स या कुछ रेगुलेशंस हुआ करती थी, जो राजाओं को यहाँ पे एक कहने का गाइडलाइन टाइप का था जो सबको फॉलो करना पड़ता था। फंक्शन जो था राजाओं का वो ये था कि टैक्सेस कलेक्ट कर लेना और लोगों से जो ट्रिब्यूट था वो लेना। द फंक्शन ऑफ द किंग वॉज दैट, दीज वर द फीचर्स ऑफ महाजनपदास। तो इसके अंदर सबसे आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो महाजनपद है, जो सबसे पॉपुलर महाजनपद है, मगधा एम्पायर या मगधा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 6th से लेके 4th सेंचुरी बीसी के अंदर मगधा जो है बहुत पावरफुल एम्पायर
डेवलप हुआ। आप सबने सुना भी होगा मगधा एम्पायर के बारे में। मगधा एम्पायर जो है इसी टाइम पीरियड के दौरान बहुत पावरफुल एम्पायर के रूप में डेवलप हुआ, और इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल या बहुत सारे महत्वाकांक्षी एम्बिशियस रूलर विच हैव मोर पावर या फिर द ग्रेटेस्ट रूलर ओवर ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो कुछ राजा यहाँ पे हुए हैं जैसे बिंबासुर है, अजाता शत्रु है या महापद्मनंदा है, ये यहाँ पे हुए हैं, और इन्होंने इस जो एम्पायर है इसको एक प्लिंथ पे या ऊंचाइयों पे ले जाने का बहुत प्रयास किया है। यहाँ पे जो रीजंस थे जिस वजह से मैग्दा एम्पायर इतना ज्यादा पॉपुलर था या इतने ज्यादा वॉस था या फिर इतना ज्यादा पावरफुल था, तो उसकी रीजन थे जो यहाँ पे आयरन जो था वो पास में अवेलेबल था, जिससे टूल्स और वेपन्स आराम से बनाए जा सकते थे। साथ ही साथ यहाँ का जो रीजन था वहां पे एलिफेंट की अवेलेबिलिटी बहुत आसपास ही थी, तो इसकी वजह से आर्मी के अंदर उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता था। एलिफेंट्स वर यूज्ड इन द आर्मी व्हिच मेड दिस ए ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ मगधा एम्पायर। साथ ही साथ जो यहाँ की जो जमीन थी वो भी काफी उपजाऊ जमीन थी, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती थी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो आपको पता ही है मोर रिवेन्यू एंड मोर पावरफुल विल बी द स्टेट। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ का कम्युनिकेशन जो सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था वो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम इट मीन्स की दिस ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो थी वहां पे गंगा, ये जो रीजन था ज्यादातर जो था गंगा और इस ट्रिब्यूटरीज के आसपास बेस्ड था, तो जो गंगा थी उसने एज ए कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मीन्स या एक सस्ता और एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन वर्क के रूप में इसने काम किया। साथ ही साथ जो कहने का मतलब गंगा ने, उसके बाद में देखिए गंगा ने जो यहाँ की कैपिटल है पाटलिपुत्र वो यहाँ पे एसोसिएटेड है, तो इसके ऊपर भी सारा का सारा इसको कनेक्ट करने का इंपोर्टेंट काम किया है। जो पाटलिपुत्र वो सेकेंड कैपिटल है, फर्स्ट कैपिटल जो थी मगधा एम्पायर की वो राजगिरा थी। राजगिरा जो थी ओल्ड कैपिटल थी मगधा की। उसके बाद में राजगिरा जो है, राजगिरा को राजगिरा का नाम इसलिए मिला है क्योंकि मेनली जो उसको ऐसे बोला गया कि द सेटलमेंट ऑफ द किंग्स, राजास, राजगिर भाई वहां पे राजा रहते हैं वहां पे, तो उसके बाद में राजगिरा थोड़ा को बैक कर दिया गया, उसके बाद नई कैपिटल जो है पाटलिपुत्र को अपना लिया गया। तो इसी दौरान अब पूरी की पूरी हमने बातें की कि मगधा एम्पायर कैसे राइज अप हुआ, और मगधा एम्पायर के बाद में जो है अब बात करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर।